तो गाइज मैं आज जॉय साइड जा रहा हूँ, उस साइड में क्या आपको दिखाना चाहता हूँ आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लोकेशन होगा। आई होप कि ये वीडियो जो है यू विल एन्जॉय दिस। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। वन सेकेंड। अभी मैंने पेट्रोल कर लिया है फुल, मतलब पूरा टैंकी फुल, और इसके बाद जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइज आज मैं जा रहा हूँ मोपुन फॉल्स, जो कि ईस्ट जैंटिया हिल्स मेघालय में है। मैं आपको थोड़ा सा मोपुन फॉल की जानकारी भी देना चाहता हूँ, और ये जगह किसके लिए फेमस है वो भी आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखते रहिए। मोपुन इज फेमस फॉर हिज अट्रैक्टिव वाटरफॉल्स एंड वन सिंगल स्टोन ब्रिज ओवर द उमझाई रिवर। द ब्रिज इज अप्रोक्सीमेटली 33 फीट लेंथ एंड 11 फीट वाइड। वाटरफॉल मोपुन वाटरफॉल देखने की तो दूर की बात है, यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं नज़र में आ रहा है, सब सूखा सूखा है। तो अभी मैं जस्ट मोपुन फॉल्स का रोड तक पहुँच चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे जाऊँ, पर रास्ता बहुत ख़राब भी था बीच में, और उसके बाद मैं इधर पहुँच गया। और फाइनली यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार? ओके ठीक है समझ गया। यहाँ से कम अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स होगा डिस्टेंस, और टिकट 20 रुपीज़ करके पर हेड। थैंक यू, आप लोग बने रहिएगा, मैं आगे और दिखाऊंगा। ठीक है, रास्ता तो बहुत ख़राब है और बस पहुँच ही गया। फाइनली मोपुन वाटरफॉल में पहुंच चुका हूं, अभी नीचे जा रहा हूं, देखते हैं क्या क्या कैसा है। एग्जैक्टली तो हमको मालूम नहीं है, सिर्फ फ़ोटो में देखा था, और आते समय बहुत मुश्किल हुआ है। मुश्किल मतलब क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है गुवाहाटी से, तो इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो सही रोड है या नहीं है। गूगल जी ने तो मुझे अच्छी तरह से दिखा दिया है रास्ता, तो वाओ मैन यहाँ से बहुत खूबसूरत जगह है, कसम से बोलता हूँ। मैं ऊपर से आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मोपुन? मो मीन्स स्टोन, पुन मीन्स कनेक्ट, मतलब स्टोन कनेक्ट। रियली दिस इज द ऑसम प्लेस। ये वाटरफॉल तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और नीचे में जाके और अच्छा लगेगा शायद।
पत्थर में सब कुछ आपको दिखा देता हूँ पूरा डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है और इस पत्थर का नीचे से वो पानी बह रहा है। अभी नीचे जाने की कोशिश करते हैं, नीचे में कैसा है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पहले ऊपर देख लेता हूँ। मतलब गुवाहाटी से इतना मेहनत करके जो आया हम, वो बेकार नहीं गया। रियली इट्स ऑसम प्लेस है। थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे सीढ़ी है, ये सब सीढ़ी कहाँ पे जाता है नो आइडिया। और इसका भी, इससे भी नीचे जाएंगे एकदम, और वहां से व्यू देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इट गोना बी रॉक मैन। एक्चुअली ये वाटरफॉल इतना पॉपुलरिटी नहीं मिला है। नंबर वन रीजन है उसका, मुझे लगता है कि ये बहुत दूर है और ऊपर से आपका यहाँ का जो डेस्टिनेशन है और रोड जो है, रोड तो ख़राब है ही और डेस्टिनेशन का अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन में नहीं समझाया है। आपको गूगल मैप से ही सहारा लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ का जो लोकल है मैक्सिमम को हिंदी पता नहीं है, अंग्रेज़ी भी पता नहीं है, लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करना जानता है सिर्फ, और जो कि शायद आपको भी पता नहीं होगा। मैं आप लोगों को रास्ता भी नहीं दिखा पाया। रास्ता इसीलिए नहीं दिखा पाया कि मेरा मोबाइल चार्ज ख़त्म हो गया था, प्लस जो गूगल मैप था वो मैप देख देख के आना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं मोबाइल होल्डर पे मोबाइल रख के आना पड़ा, तो इसीलिए मैं रास्ते का वीडियो नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाओ, नीचे में तो और खूबसूरत जगह है, खूबसूरत व्यू है। चलिए, नीचे में जाते समय तो कुछ नहीं होता है, असर नहीं होता है, जब ऊपर उठेगा तब फटेगा। लो जी, नीचे पहुंच गया, अभी आपको व्यू दिखाते हैं। माय गॉड, awesome man। मैं अभी कपड़ा वपड़ा खोल लिया, जूता वूता पूरा खोल लिया, मैं जाना चाहता हूँ उधर। आई डोंट नो कितना डीप है। चलिए, वाह बहुत ठंडा है भाई। वहाँ से बहुत ज़ोर से पानी टपक रहा है, यहाँ से इस साइड में आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसीलिए कैमरा ब्लर हो गया है।
नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अभी अकेला हूँ, कोई कोई आया था वो लोग चला गया, राइट नाउ आई एम अलोन। मज़ा आ रहा है, नहाने का मन कर रहा है मगर मैं कपड़ा लेके नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। चलिए गाइज आज यहाँ पे ही डी एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो मुझे घर ब्लॉक पे पहुँचते बहुत देर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आज बहुत लेट से घर से निकला था। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे ऐसा ही कुछ तूफानी के साथ, अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा बेटर देने की कोशिश करूँगा। टिल देन टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय।